को ना ऊपर और नीचे 500 पॉइंट करने की कैपेसिटी रखती हैं। तो आप प्रिपेयर रहिएगा इस चीज़ के लिए, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन के साथ काम करना होगा। 13 सेकंड बाद मार्केट खुलेगा, स्क्रीन पर आपको सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन दिखेगा, इसको ज़रूर चेक करना। एडवांसेस अच्छे होने चाहिए मेरे हिसाब से, और दिन भर बने भी रहने चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है बने रहना। होना तो ठीक है, जो हो रहा है सो हो ही रहा है। 1200 शेयर एडवांसेस के साथ खोले हमने, 200 पॉइंट के ऊपर आज फिर से निफ्टी खुला, 22000 के ऊपर बैंक निफ्टी खुला है 522, अभी 547500 के रेजिस्टेंस के आसपास है। देखते हैं कितना मेंटेन करता है, खुलते ही फिर से जो एक हाथ बदला होता है वो हाथ बदला आपको आपको लेवल्स के तौर पर दिख रहा होगा। जैसे शीर्ष ने बोला कि खुलते काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, ये वही चीज़ मैं आपको नोटिस करा था, उनको एग्जिट रूट चाहिए होता है, उनको ये समझ भी नहीं आता। अच्छा, कल कोई लास्ट में प्लस भी करके गया होगा ना, तो उसको भी आज ही निकलना है, उसको रुकना भी नहीं है मार्केट के अंदर। तो इसलिए ये जो पहले पहले झटका है ना निफ्टी का 100 पॉइंट का, ये आपको लगा है, तो आप कोई बात नहीं, फिर भी आप अभी मेंटेन रखो। जब तक हम 22000 और 21800 को ब्रेक नहीं करते, वापस नए लेवल्स पर मार्केट गिरेगा नहीं अपने आप को। और आपको 47500 के आसपास आज बैंक निफ्टी का हाई बना, और अभी 47116 पे चल रहा है, एक्सट्रीम वॉलेटाइल है, थोड़ा संभल कर आराम से काम कीजिएगा, जल्दबाजी अभी ना उठाइएगा। स्क्रीन पे लेके आइए पहले 5 शेयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, L&T, HUL, इन्फोसिस, TCS, ये 6-7 शेयर जरा जल्दी से दिखाइए, घुमाते रहिए PCR स्क्रीन पर, ताकि फटाफट से लग पाए कि इन 5 शेयरों में से कौन सा ज़्यादा कमज़ोर है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने कमज़ोर हैं। तो आप देख रहे हो जो 4 शेयर मेरे स्क्रीन पर फायर हुए हैं, इनफैक्ट ये 5वां भी आ गया, तो 5 में से सिर्फ एक L&T है जो हल्का कमज़ोर है, अदरवाइज नहीं तो ज़्यादातर ठीक है। एक बार HUL भी दिखा दूँ, ये भी खुला ठीक है 3.5%, तो वेटेज की प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो वापस से 200 पॉइंट ऊपर आ गया निफ्टी, यही चीज़ मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा हाथ बदला होगा और उसके बाद मार्केट अपने आप को ठीक करेगा। 8% इंडिया विक्स टूटा है, कम से कम 10 चाहिए, ये 10 और तोड़ देना, मतलब 10% तोड़ दे तो मेरे को लग रहा है कि आज लेवल्स को मेंटेन करेगा, और 20 तोड़ दे तो मेरे लिए आज के लिए भी जैकपॉट हो सकता है। मैं इंडिया विक्स को आज काफ़ी गंभीरता से देखूंगा, 12% ऑलरेडी हो चुका है, ये जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा ना आपका बेस स्ट्रांग होता जाएगा, इसलिए मेरे को इंडिया विक्स कम से कम 10% चूरने के चांसेस थे, और एग्जैक्टली वही मार्केट के अंदर होता हुआ दिख रहा है। अब मेरे लिए जो आज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 22000 का है, मैं उसको थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। अडानी ग्रुप के भी शेयर्स एक बार स्क्रीन पर आप दिखा सकते हो, फिर हम जरा आज के टॉप गेनर्स वगैरह आपको हीट मैप से दिखा देंगे। पहले एक बार जरा अडानी ग्रुप के शेयर सारे स्क्रीन पर दिखा सकते हो, ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज, स्पोर्ट्स, पावर, ये भी दिखाइए, सॉल्यूशंस, ACC, अंबुजा वगैरह भी दिखा दो आप, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे अभी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉलिटिकल सेंसिटिव है, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेके आइए जरा BPCL को और एक NTPC को, NTPC और BPCL भी जरा स्क्रीन पे दिखाइए। तो फिलहाल आप यहाँ पे इन स्टॉक्स में ध्यान रखते हैं, पहले कुछ मिनट के अंदर अभी एडवांस डिक्लाइन में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, ये 1500 और 400 बने हुए हैं, देखते क्या होता है आज के दिन। एक और चीज़, आपको जो कल शेयर बहुत बुरी तरह से टूटे थे, REC, PFC, एक बार जरा वो भी दिखाना, कंटेनर कॉरपोरेशन, वो भी दिखाओ आप शेयर, आपको थोड़ा उससे भी आइडिया लग जाएगा आज में रिकवरी है कि नहीं। REC थोड़ा रुक गया है, अभी चला नहीं, PFC भी एक बार दिखाओ, चला नहीं, एक बार कंटेनर कॉरपोरेशन भी दिखाओ, कॉनकॉर उसको भी दिखा हुआ। ये सरकारी कंपनी के खेमे को ना आप इग्नोर मत करना, आप लो ना लो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन ये इग्नोर नहीं किए जा सकते, अभी भी इनमें स्विंग अच्छे आपको मिलेंगे। तो फिलहाल ज़्यादातर सरकारी कंपनियाँ शांत हैं, ना ही कॉनकॉर टूट रहा है, ना ही REC, ना ही PFC टूट रहा है सेकेंड डे में, और चल भी नहीं रहे। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फिर आपको छोटे मझोले शेयर्स बता देंगे सृष्टि, और साथ में फिर ओपनिंग के ट्रेड देना भी शुरू करेंगे। 14% इंडिया विक्स टूटने के बाद मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा एक नॉच ऊपर आया हुआ है, बस अदरवाइज वैसे कोई नहीं, मेरे को आज कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना। ये हीट मैप है, लास्ट की लेयर आपको बता रही है, इसमें आपको थोड़े अडानी ग्रुप के शेयर्स दिखेंगे, L&T, हिंडालको, पावर ग्रिड जैसे शेयर्स दिख रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो डिफेंसिव का बोलबाला है, आज HUL दिया था सोनी पटनायक ने, टॉप गेनर है। M&M आया था आज कुछ बोरा की लिस्ट से, टॉप गेनर्स हैं। SCLTech ब्रिटानिया आज आया था संतोष सर से, टॉप गेनर है। तो ये आपको सारे शेयर्स आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। अब आज जरा छोटे मझोले शेयर्स के बारे में चेकिंग कर लेते हैं, पता कर लेते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद फिर ओपनिंग का ट्रेड लेते हैं। बिल्कुल, तो छोटे मंझोले शेयरों पर अगर नज़र डालेंगे तो इमामी दिख रहा है 4% ऊपर, मितेश जी की सलाह भी थी, यहाँ पर वो 720 के लक्ष्य देख रहे थे, और आज हम देख रहे हैं FMCG स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा कारोबार करें, तो बाजार संभलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस बीच कल जो
स्टॉक्स काफी ज्यादा टूट रहे थे, आज वहां पर भी रिकवरी दिखाई दे रही है। ABFRL यहां पर अच्छी तेजी है, जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी नेटवर्क, टाटा टेली, टॉरेंट पावर जैसे स्टॉक्स आज के ट्रेड में मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, यहां पर अच्छी तेजी है। एंजल वन के नंबर्स आए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहां पर भी करीब 3% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। और उसके अलावा डिफेंस शेयरों की एक बार बात कर लेते हैं। डिफेंस स्टॉक्स आज भी टूट रहे हैं, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें कि उनका कहना है कि फिलहाल डिफेंस शेयरों को थोड़ा अवॉइड करें। आज हम देख रहे हैं भारत डायनेमिक्स, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स आज भी टूट रहे हैं। 9.5 से 10% की कमजोरी आज खुलते से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहे हैं निचले स्तरों से, लेकिन आज भी ये डिफेंस काउंटर कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालें तो यूनाइटेड ब्रेवरीज भी ऊपर है, टाटा कंज्यूमर तो आज वापस से डिफेंसिव प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, और खबरों के चलते भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन है तो उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। इसके अलावा मणप्पुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में भी हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। तो ये है इस वक्त का शुरुआती एक्शन। चलिए अब